वेलकम टू माय चैनल पारुल्स किचन एंड मोर। ये देखिए, ये हमने बनाए हैं चोको लावा ब्रेड, और वो भी हार्ट शेप में। कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और बच्चे भी इसको बना के बहुत ही इन्जॉय करते हैं। तो इसको जब बनाएं तो बच्चों को अपने साथ ज़रूर बैठाएं, वो भी बनाने में बहुत ही इन्जॉय करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगते हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। तो चलिए, आज हम बनाएंगे चोको लावा ब्रेड। उसके लिए मैंने ये हार्ट शेप का कुकी कटर लिया है और ये वाइट ब्रेड ली है। इसको इस तरह से कुकी कटर की हेल्प से काट लिया है। आप चाहें तो कोई भी शेप का इसको काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कुकी कटर ही हो। तो मैंने हार्ट शेप के ब्रेड इस तरह से काट लिए हैं। ब्रेड भी आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो इस तरह से हार्ट शेप के ब्रेड हमने काट लिए हैं। और ये मैंने ली है चॉकलेट, ये डेरी मिल्क चॉकलेट ली है मैंने। आपको जो भी चॉकलेट या उसका कोई भी फ्लेवर अच्छा लगता है, आप वो ले सकते हैं इसके लिए। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं और इसको मैंने इस तरह से अपने ब्रेड में रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें साइड में लगाएंगे पानी, क्योंकि हमें ब्रेड को आपस में चिपकाना है। तो पानी लगाएंगे तो ये बहुत ईजिली चिपक जाएगी। इस तरह से साइड्स में हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे। और एक और हार्ट को उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और साइड्स को इस तरह से दबाते हुए चिपका देंगे। इसको बहुत अच्छे से हमें सील करना है, क्योंकि अभी हमें इसको तवे पर सेकना है, जिससे कि अंदर से हमारी जो चॉकलेट है वो बाहर ना निकल जाए। इसलिए हम अच्छे से प्रेस करेंगे साइड्स में। अगर अच्छे से ना चिपके तो थोड़ा पानी हम और लगा सकते हैं। इस तरह से अच्छे से, बहुत अच्छे से हम इसको सील कर लेंगे। इसी तरह से मैं बाकी भी बना लूँगी छोटे छोटे हार्ट्स। और अब हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर बटर, इस तरह से सबके ऊपर लगा लेंगे। ये काम करने में बच्चे आपकी हेल्प भी करेंगे और बहुत ही इन्जॉय भी करेंगे। और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि इसमें चॉकलेट है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो ज़रूर बना के एक बार, मेरे कहने से आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। इसको बनाने में सिर्फ 5 ही मिनट लगते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो तवा गर्म हो गया है, अब हम ये छोटे छोटे हार्ट्स अपने इसमें रख देंगे और इनको सेक लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकें, हाई फ्लेम पर ना सेकें, जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर से हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट भी हो जाए। अब मैं ऊपर भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बटर अप्लाई कर दूंगी। बस एक साइड जब अच्छे से सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, गोल्डन, हल्का हल्का क्रिस्पी भी होता है और अंदर से मेल्ट की हुई चॉकलेट मुँह में आती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगती है। एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बस ये दूसरी साइड से भी अब सिक गया है, सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं लूँगी चॉकलेट गनाश, ये मैंने घर में बनाई है। आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि गनाश का ही यूज़ करें। आपके पास चॉकलेट सिरप हो तो आप सिरप भी ले सकते हैं, नटेला हो तो नटेला का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से स्प्रेड कर देंगे हम चॉकलेट को ऊपर से, भी चॉकलेट लगेगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। और अब मैं इसको गार्निश करूँगी बहुत ही सुंदर सुंदर स्प्रिंकल्स से। अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो देखिए छोटे छोटे हार्ट्स हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखें इनको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।